स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट हूं दोस्त राहुल बोच। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो धनाधन फॉलो भी कर लीजिए। दोस्तों, शमिता शेट्टी जीतेंगी अब ट्रॉफी, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से वो टास्क कर रही है, उफ, जिस शिद्दत के साथ वो टास्क कर रही है, वो लाजवाब है। उन्होंने तीन बड़े बड़े एरिया जीते हैं, अपने नाम करे हैं। एक जिम करा है, एक गार्डन एरिया करा है, और वो मिनी गार्डन एरिया सॉरी, और एक करा है उन्होंने किचन। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो शमिता शेट्टी के बारे में एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट ने एक बड़ी बात बोली है। चैनल को अभी तक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अब ये और कोई नहीं है बल्कि हैं कंटेस्टेंट अर्शी खान। जी हाँ, अर्शी पैगम, जिन्होंने सीजन 14 में आकर अपने तलफुज को अलग अलग तरीके से बोला था। अर्शी का भोपाल का वो जो एक्सेंट है वो साफ नजर आता है दोस्तों, और वो बहुत अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पर शमिता शेट्टी के लिए वो कहती हैं कि शमिता शेट्टी इज कमिंग अक्रॉस एज द मोस्ट डिग्निफाइड एंड फियर्स हाउसमेट, कलर्स टीवी एंड एनिमल शाइन, कैन वी हैव हर इन द टॉप टू। ठीक है, और उन्होंने एट द रेट शमिता शेट्टी लिखा है और हैशटैग अर्शी खान डाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर अर्शी खान ने साफ तौर पे बोल दिया है कि शमिता शेट्टी जो है वो मोस्ट डिग्निफाइड और फियर्स है हाउसमेट, एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि कलर्स आप एंड वॉल इनको टॉप टू में डालो। फैंस की तरफ से बेहद प्यार मिल रहा है अर्शिया बेगम को, और साथ ही साथ फैंस की तरफ से सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं अर्शिया खान को। ऐसे में अब आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बिग बॉस का घर है, घर के अंदर सारी चीजें हैं। अर्शी खान को इतना ज्यादा अप्रिशिएट मिल रहा है कि दिल, अर्शी खान ने इतना ज्यादा शमिता को अप्रिशिएट किया, तो ऐसा लगा है कि शमिता डेफिनेटली कुछ अच्छा ही कर रही है परफॉर्म। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज।